सरकार के माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत निरंतर कार्यवाही की जा रही है, जिसमें इंदौर के भू माफिया बॉबी छाबड़ा को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर पुलिस ने कुख्यात भू माफिया बॉबी छाबड़ा को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को बॉबी छाबड़ा की अनेक मामलों में तलाश थी। हाल ही में पुलिस प्रशासन ने बॉबी छाबड़ा पर इनामी राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी थी। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत इन दिनों भू माफिया के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसी अभियान के तहत बॉबी छाबड़ा के खिलाफ भी शिकंजा कसा गया है। गौरतलब है कि इससे पहले कानूनी विवाद में उलझी आईडीए की आवासीय स्कीम 171 और मजदूर पंचायत गृह निर्माण संस्था की जमीन पर बना भूमाफिया बॉबी छाबड़ा का वैध दफ्तर प्रशासन और नगर निगम के दल ने ध्वस्त कर दिया था। इस जमीन का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। जिला प्रशासन बॉबी छाबड़ा से जुड़ी गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के मामले की पड़ताल कर जारी है। बॉबी द्वारा जिन संस्थाओं में जमीन, भूखंड, सदस्यता और नक्शों की हेराफेरी की गई है, उनके दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। माह दिसंबर जनवरी में इंदौर में एंटी माफिया कैंपेन के तहत जो कार्रवाइयां की गई थी, उसमें कई शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें जमीन संबंधी धोखाधड़ी की भी काफी शिकायतें थी, जो गृह निर्माण समितियों से संबंधित थी। इसके तहत एक आरोपी बॉबी छाबड़ा के विरुद्ध कई अपराध पंजीबद्ध हुए थे, जिसमें शहर के विभिन्न थानों में इसके विरुद्ध अपराध दर्ज है। इसमें ये लगातार फरार चल रहा था। इसके पते ठिकाने पर दर्ज दी जा रही थी, लेकिन ये यहाँ इंदौर से फरार चल रहा था और इसके संबंध में 20,000 रुपए की इनाम घोषणा भी की गई थी। इसमें आईजी इंदौर महोदय के निर्देशानुसार इसमें सरगर्मी से फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित करने के लिए और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पर्यवेक्षण में कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था। इसी के तहत क्राइम ब्रांच की टीम ने एडिशनल एसपी राजेश दंडिया के नेतृत्व में लगातार इसके संबंध में सरगर्मी से तलाश की गई और विभिन्न शहरों में इसके होने की संभावना पर भी कार्रवाई की गई। इसके विगत कुछ समय से दिल्ली में होने की सूचना मिल रही थी और उसके पश्चात ये स्पष्ट हुआ कि इसका मूवमेंट यहाँ की तरफ हुआ है। इसमें इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए आज सुबह इसको उमेक सिटी के पास से घेराबंदी करके विभिन्न थानों के समन्वय से इसको पकड़ा गया है और इसको थाना खजराना के अपराध में अभी गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जा रहा है। इसमें मुख्यतः जो इस पे आरोप है, ये गृह निर्माण समितियों के संचालक मंडल में आगे चलकर के इनके अध्यक्ष और मेंबर्स को डमी रूप में इससे जुड़े हुए लोगों को उसमें रखा गया और उन जमीनों को बिना वैधानिक तरीके से उसको बीच में इन डमी मेंबर्स के माध्यम से जमीनों को बेचा गया है और करोड़ों रुपये का इसमें लाभ अर्जित किया गया है, जो रॉन्गफुल गेन है अर्जित किया गया है। और इससे पीड़ित जो भूखंड धारक हैं, वो लगातार शहर में अपनी व्यथा लेकर के घूम रहे थे, जिनके द्वारा पुलिस को, प्रशासन को और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को शिकायतें की गई थी और इसमें प्रशासन के द्वारा इसमें विभिन्न समितियां गठित करके जांच की जा रही है और लोगों के द्वारा सीधे इसमें जिन लोगों की शामिल आती है उसको लेकर के आरोप लगाए गए हैं, जिनमें से बॉबी छाबड़ा मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया है। थाना खजराना में फिलहाल जो प्रकरण दर्ज है, उसमें आवेदिका के द्वारा बॉबी छाबड़ा के द्वारा आवेदिका को धमकाए जाने की बात उसने पुष्ट की है और उसके मकान पर, उसके प्लॉट पर जो कब्जा नहीं मिल पाया है, उसमें संचालक मंडल के सदस्यों और इसकी शामिलाती की बात कही गई है। इसी प्रकार अन्य थानों में भी प्रकरण है। इसके संबंध में आरोपी को गिरफ्तार किया जा करके आगे की पूछताछ की जानी है, जिसके लिए पुलिस अभिरक्षा की मांग की जाएगी और विभिन्न प्रकरणों में इनकी जो भूमिका है उस पर विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा।